धमतरी जिले में ओवरलोडिंग, अवैध रेत के परिवहन से परेशान ग्रामीणों ने रोक दी रेत से भरी गाड़ियां और कर दिया चक्का जाम। ग्रामीणों ने सुबह रोकी रेत से भरी गाड़ियां, लेकिन शाम तक हो गई सेटिंग। माइनिंग ऑफिसर की संदिग्ध भूमिका आई नजर, मामला धमतरी रेत खदान का। धमतरी जिले में अवैध रेत खनन जोरों पर है, जहां सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से महानदी का सीना छलनी कर जा रहा है। पूरा मामला कुरुन कासखंड के चार भाटा रेत घाट का है, जहां पर बगैर रॉयल्टी और फर्जी रॉयल्टी की बदौलत चार भाटा रेत घाट के नाम पर ग्राम पंचायत बोथा से धड़ल्ले से अवैध रेत खनन परिवहन जारी है। वहीं बीती कल सुबह चार भाटा रेत घाट रेत भर के आ रही लगभग 30 से 40 हाईवा गाड़ियों को ग्रामीणों के द्वारा रोक लिया गया, लेकिन दिन ढलते ढलते अधिकारियों रेत ठेकेदार की सेटिंग जम गई, जिसके चलते कार्यवाही शून्य रही। मामले में खनिज निरीक्षक से जानकारी लेने के लिए फोन लगाया गया तो साहब ने फोन नहीं उठाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसमें अवैध उत्खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश थे। कार्रवाई नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही गई थी। वहीं अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सीएम ने जिले के कलेक्टर और एसपी को व्यक्तिगत जिम्मेदारी होने की बात तक कही थी, लेकिन जिले के खनिज अफसर कलेक्टर और एसपी को अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करने से फुर्सत नहीं मिल रही। या यूं कहें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट आदेश महज एक ट्वीट समझकर जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों की माने तो अधिकारी और विरोध करने वाले ग्रामीणों एवं ठेकेदारों के बीच सेटिंग होने की आशंका जताई गई और फिर धरले से अवैध रेत हाईवा दौड़ने लगी, जिसकी सूचना माइनिंग अफिसर को है, लेकिन कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। या यूं कहें कि ठेकेदार की ताकत के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। वहीं इस मामले में कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि संबंधित रेत खदानों में सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं की हिस्सेदारी और संबंधित अधिकारियों का संरक्षण के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं चार भाटा रेत घाट से काटा गया पीट पास तो जून 2022 में जारी पीट पास है, जिसे अभी भी उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे अधिकारी भी भली भांति परिचित है। खैर, जिम्मेदारी अधिकारी मुख्यमंत्री के ट्वीट को महज ट्वीट समझ कर नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। अब देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है या कुछ चुरभैया नेताओं के डर के चलते यूं ही अवैध उत्खनन को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ मतलब परेशानी ज्यादा है कि बच्चों में ना स्कूल जाने में तकलीफ है और यहाँ रोड राड पूरा खराब है। गाड़ी वाले मन कई झन गिरा थे, कभी कोनो एक्सीडेंट हो जाते, अभी एक मरीज अभी बहुत मुश्किल से अभी मौत की मिट्टी में लड़ा थे। वहाँ कल भी एक अभी एक्सीडेंट हो गई से और ये गाड़ी वाला अभी जो हरे है बड़े हाई पे है, तो एक जेंट्स अभी रेत गरी से तो ओकर बीच में मैं कूदे हूँ कि बोला हटाऊँ तो बची से। तो ऐसे हमारा नहीं होना चाहिए कि हम हमारे लड़का मतलब परेशानी है, गाड़ी घोड़ा मतलब परेशानी है, हॉस्पिटल जाम परेशानी है, जिसको जो चावल खरीदे पर जाम परेशानी है। तो ये हमारा गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा हमारे मतलब परेशानी है। अभी पंच मन के लेके कालर धर के पंच मतलब दबा दो मार दो घसे दो बोलते, तो ये हमारे इसी गाँव में हमारे पंचायत गिरी कर सही और ग्राम विकास समिति का करी ये सब पूरा दबाव डाल के संजय बिहारी परेशान करके रखते हैं। ये रोड सरपंच कोई चीज को नहीं जानता हूँ, रोड जो जगह जगह से गड्ढे हैं, तो हवा गड्ढा है कितना जगह मतलब दिन रात चलता है, कैसा चलता है यहाँ पे हवा रात और दिन दोनों बराबर है। ओवरलोड गाड़ी चला थे तो ये ओवरलोड गाड़ी चलाए के अनुमति नहीं का साथ। अभी रियलिटी वगैरह आप मन खींचे हो तो रियलिटी कैसे टाइप से है मत ये करो यहाँ गाड़ी मत चलाओ करके हाँ बोली से वो भी सवेरे रात रात भर गाड़ी चला है वो सवेरे फिर गाड़ी रोकते हैं। अभी आप मन ला जिसे एक्सीडेंट होते आप मन की यहाँ दुर्घटना होते ओकर बावजूद कोई यहाँ पे देखे नहीं आते। अभी अगर मान लिया आप मन के बोले के बावजूद यहाँ पे अगर मन के घाट बंद नहीं होते ट्रक चलना बंद नहीं होते फिर आप आगे आप मन का कर सकते ग्राम पंचायत
का नाम है आप मन के? का परेशानी होता आप मन ले हाईवे चले? परेशानी ये है कि हमन ह रेत जो चलत है वहां हमार पास नहीं जाती है, बाहर से रेत लाते भोथा से और चार पाठा से और वहां के लोग निकासी ठोक रहे हैं, ठोकत है हमन है, यहां परेशानी उठाते हैं। हमारे स्कूल के आईटीआई सब हाई स्कूल प्राथमिक स्कूल सब के बच्चा मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होते हैं, रोड भी खराब है, देखा से हमन चक्का जाम करेगा। अगर कार्रवाई आगे नहीं हुई तो फिर आगे आप मन के का रही? चक्का जाम हमेशा जारी रहेगा। हाँ भाई यहाँ से 10 बजे से मस्त नहीं हूँ आप मन है, हवा यहाँ से आप मन गुजरन नहीं दू ना भाई? ठीक पीछे आप मन के। मेरा नाम प्रवीण कुमार सोनी है, ग्राम नदी के निवासी बस जाना रहता हूँ मैं, है ना। जो ये जो रोड है इतना गड्ढा हो चुका है कि कभी भी कोई भी इंसान गिर सकता है। इसको संजय बिहारी को कोई भी अफसोस नहीं है, कभी आता है कुत्ता वो यहाँ पे कितना कितने बार दुर्घटना हो गई? लगभग कई बार हो चुका है दुर्घटना। दुर्घटना का हम गिनती करने बैठेंगे जी? ये तो कलेक्टर को सोचना चाहिए ना, कलेक्टर को यहाँ खुद आना चाहिए। कलेक्टर किस लिए बना है वो? तो उसके बावजूद आप लोग कहाँ कहाँ शिकायत की? उसके बाद आप लोग कहाँ कहाँ शिकायत? हम कहीं शिकायत नहीं किए हैं, थाना में शिकायत की है। थाना वाले आते हैं बस रोजी रोटी लेके चले जाते हैं हम लोग, उसको थाने वालों क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रोड के ऊपर छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है। हाँ। आपके गांव के अंदर से रेत निकल रहा है। हाँ। तो बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब मेरे गांव से रेत निकल रहा है, मगर अलग स्थान से निकल रहा है मेरे गांव से रेत। कहां कौन से घाट से निकल रहा है? बोथा गांव से निकल रहा है, मगर चार भाटा का नाम दे रहे हैं और बिना रायल्टी के या फिर अपोजिट रायल्टी से ये लोग उत्खनन कर रहे हैं रेत। चार भाटा से निकासी, तो इसमें माइनिंग क्या सोए हुए है क्या? माइनिंग जो है बंदूक के नोक से लगा रहे। अगर आगे इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आगे आप लोगों को क्या रहेगा? मैं क्या करूंगा जी? मैं अभी सो जाऊंगा मैं यही भी मैं आत्मदाह कर दूंगा। मैं प्रवीण सोनी बोल रहा हूँ भाई, ओम प्रकाश सोनी, ये भी खड़े खड़े आत्मदाह कर लूंगा मैं। अगर कलेक्टर तक आवाज जाती है तो जा। प्रेमलाल साहू, सचिव ग्राम पंचायत चार जी। महोदय जी, आपके यहाँ अवैध रूप से रेत खनन हो रहा है, अगर ग्रामीण आरोप लगाए हुए हैं, अभी नारी में ग्रामीण चक्का जाम करके बैठे, वहाँ पर सैकड़ों दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो क्या कहना है आपके यहाँ खनन अवैध है कि वैध है? यहाँ का रेत खनन ग्राम पंचायत चार भाटा से नहीं हो रहा है, नहीं जिला खनिज अधिकारी के संरक्षण में हो रहा है और उसके संबंध में ग्राम पंचायत चार भाटा को जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत चार भाटा का रेत खनन में कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक, आपके सीमांकन क्षेत्र में खनन हो रहा है कि भोथा के सीमांकन क्षेत्र में खनन हो रहा है? अब उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है कि ग्राम पंचायत चार भाटा के हो रहा है कि भोथा के हो रहा है। एक आध बार मुआयना करने गए हैं आप इस पार्ट में? मैं नहीं गया हूँ, मेरे को कुछ लेटर नहीं मिला है खनिज अधिकारी से। अगर मिलता तो मैं चाहता कि कितना रकबे में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भारी क्षति हो रही है राजस्व को बहुत मात्रा में, तो इसके संबंध में किसकी जिम्मेदारी रहेगी? रेत खनन का अधिकार किसको है? जिला कार्यालय को है नहीं, तो जिला कार्यालय को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। ठीक, अब जैसे आपके संज्ञान में आया तो फिर आगे आप उच्च अधिकारियों को जानकारी देना उचित समय। हाँ, पूर्व की ग्राम सभा बैठक में प्रस्ताव हो गया है कि यहाँ से रेत उत्खनन बंद होना चाहिए, प्रस्ताव अपन जिला कार्यालय को दे दिया। ठीक, क्या नाम है? दो नाम धर्मचंद साहू है, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत चार भाटा। महोदय, आप मन के ग्राम से जो रेत खनन हो थे वो अवैध है कि वैध है? देखो, रेत खदान तो चलत है लेकिन ये है अपन मुख्यमंत्री से ले कलेक्टर से ले होकर के ले जाते और रेत खदान चालू है। मैं तो प्रसाद दो बार भी शिकायत कर चुके हूँ, आए भी से नापे भर नाप जोक के देखी इसके अवैध उत्खनन है और अभी के रूल ऐसा है कि पंचायत के कोई महत्व नहीं देता ही नहीं है। शासन डायरेक्ट का पंचायत लोग बगैर पूछे बेच डाला है और बेच के वही कारण से लेकर रहा है। पंचायत को अभी तक के एक आवेदन नहीं आया है कि आपके गांव में रेत खदान चल रहा है, कलेक्टर से भी कोई कागज दिया है। तो अभी जो रेत खनन हो रहा है वो आपके यहाँ आपके सीमांकन क्षेत्र के अंदर है कि भोथा के सीमांकन क्षेत्र के अंदर? अब हम लोग तो नदिया गए नहीं है लेकिन उसका चार भाटा में खदान के नाम से चला थे, हो सकता है गुरुदा के लेगा तो ही या भोथा का लेगा तो ही,
चार भाटा में तो महोदय रेत ही नहीं है भाई, पिछले साल का सब खोज चुके हम लोग कवरे कवरे के है, लेकिन शासन भी जानता है ओकर बावजूद उसको नया एनओसी और बना के दिया है, हम क्या करें। अभी नहीं चल रहा है ना आपके पंचायत के अंतर्गत? अब नहीं पंचायत के अंतर्गत नहीं, पंचायत से कोई मूल नहीं है रेत, पंचायत के कोई आधार नहीं है, कोई ये नहीं है, केवल शासन से लिया हम कहीं चार भाटा का रेत ही ले जा रहा है। और आपके सीमांकन क्षेत्र में कि नहीं उसको जानकारी नहीं है आपको? नहीं नहीं है ना। अगर तो परसाल में सीमांकन करवाए रहती अपन खनन ज्यादा लगत गई तो सब आता है, दो बार लग कर रहा है सीमांकन करो भैया सीमांकन करो। रोड की क्या स्थिति बनी है? रोड का स्थिति तो दैनिक स्थिति है, बनती है।